हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे घरों पे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो आज हम बुक विस्टा के लेसन नंबर फर्स्ट के द थर्ड लेवल, जिसे जैक फिनी ने लिखा है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल एंड हु इज़ आई इन द स्टोरी? तो जैक फिनी इज़ द नरेटर एंड द आई चार्ली, चार्ली इज़ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। स्टूडेंट्स, आपने स्टोरी पढ़ ली होगी अच्छे से और आपको समझ में भी आ रहा होगा। नेम द स्टेशन वेर यू फाइंड द थर्ड लेवल, दैट इज ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। नेम द करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, चार्ली 31 ईयर्स ओल्ड है, जो प्रोटागोनिस्ट है, लुइसा उसकी वाइफ है एंड सैम वेनर उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है। राइट द मीनिंग ऑफ द थर्ड लेवल, वी कैन से इमेजिनेशन, एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। हाउ मेनी प्रेजिडेंट्स आर एक्सप्लेन इन द स्टोरी, तो देयर आर 3 प्रेजिडेंट्स, दैट इज रूजवेल्ट, जिसे कलेक्ट स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक था, और चार्ली को भी था और उसके ग्रैंड डैड को भी था। नंबर सेकंड गार्लफील्ड, जो कि स्टैम्प्स पे छपे हुए थे। नंबर थ्री क्लीवलैंड, जो कि द वर्ल्ड, जब वो 1894 में थर्ड लेवल पे चला जाता है तो उस वर्ल्ड द वर्ल्ड उस न्यूज़पेपर में क्लीवलैंड के बारे में कुछ बातें लिखी गई थी। तो यहाँ पर 3 प्रेजिडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द ईयर्स इन विच चार्ली वेंट इन द थर्ड लेवल, दैट इज 1894। स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, Where did Charlie want to go in the year 1894? He wanted to go to Galesburg, Illinois with his wife Louisa. How many dollars did Charlie buy to get old currency? He paid $300 to get 200 old currency. उसने $300 वर्तमान करेंसी के खर्च किए थे, पुरानी जो करेंसी थी उसको $200 की मिली थी। वट वाज द कॉस्ट ऑफ ए डजन एग्स इन 1894? हालांकि इस क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन दे रखा है, ये बात दे रखी है, तो हमें इसलिए मैंने एक क्वेश्चन बना दिया। तो द एग्स, एक दर्जन एग्स कितने के आते थे? 6। द कॉस्ट ऑफ ए डजन वाज 13 सेंट्स इन 1894। राइट द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर गिवन इन द स्टोरी, तो हम जानते हैं जब वो थर्ड लेवल पर गया था जिसमें क्लीवलैंड के प्रेजिडेंट के बारे में बात की जा रही थी, तो वो उस अखबार का नाम क्या था? द वर्ल्ड। डेटेड क्या थी उस पर? June 11, 1894। वट इज़ फ्लैटली? फ्लैटली क्या है? एक स्टैम्प्स को इकट्ठा करने का शौक, द कलेक्शन एंड स्टैम्प्स है ना, डेट इज कॉल्ड फ्लैटली। वट इज़ द फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर क्या था? फर्स्ट डे कवर क्या है? वैन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड स्टैम्प कलेक्टर्स बाई सम एंड वी एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देम सेल्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट द एनवलप्स इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन, जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, इट इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। वट आर द बिल्स द क्लर्क नोटेड डेट, वो बिल्स क्या थे जिसको क्लर्क ने देख करके नोटेड किया था? एट ओल्ड करेंसी। द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल वॉज चार्लीज फैंटेज्म एंड, और क्या था वो? मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम द इनसिक्योर वर्ल्ड। ठीक है, वट डज लेग ऑफ मटन स्लीप्स, ये क्या है मीन, इसका मतलब क्या है? जब वो 1894 के थर्ड लेवल पर चला जाता है तो वो एक लेडीज होती है जो ये सब कुछ पहने रखी है। तो ए स्लीव विच इज़ फुल एंड लूज ऑन द अपर आर्म बट क्लोज फिटिंग ऑन द फोर आर्म एंड रिस्ट। वट डिड द नरेटर टेल लुइसा, तो वह क्या बताता है कि डैट ही हैड बीन टू द थर्ड लेवल, कि वो थर्ड लेवल पर जा चुका है। वेयर डिड चार्ली रिसीव द फर्स्ट डे कवर फ्रॉम, फर्स्ट डे कवर जो उसको लेटर मिला था तो वो कहाँ से मिला था? सैम ने उसको भेजा था। हालांकि फर्स्ट डे कवर पे हमने ये आप बताया था कि उसमें ब्लैंक पेपर रखते हैं, बट इस बार इस पेपर इस एनवेलप में वो ब्लैंक नहीं था, वो लेटर था जो लास्ट में पढ़ते हैं ना स्टोरी में, वो लेटर था। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू चार्ली वेयर हैड सैम वेनर डिसअपीयर्ड, तो उसका जो दोस्त था वो जब चार्ली ने बताया कि थर्ड लेवल है तब वो उससे कहता था कि ऐसा नहीं है, तुम गलत हो, लेकिन वो खुद थर्ड लेवल पर चला गया है, वो डिसअपियर हो गया है, और उसका वो कहाँ चला गया था? गेल्सबर्ग इलिनियोस चला गया था वो। क्वेश्चन नंबर 19, वट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन, तो उसमें क्या मिला था? फर्स्ट डे कवर रिटन बाई सैम वेनर। वट वाज द कॉस्ट ऑफ ए स्टैम्प इन 1894 विद द पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गार्लफील्ड? द स्टैम्प कॉस्ट वाज ए 6 सेंट डल ब्राउन विद ए पिक्चर ऑफ प्रेजिडेंट गार्लफील्ड। हाउ मच मनी डिड सैम वेनर पे फॉर ओल्ड करेंसी? सैम पेड $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। क्वेश्चन नंबर 22, सैम वेनर वाज ए साइकेट्रिस्ट बट ही चेंज्ड हिज बिजनेस
what was that business? He set up himself in a nice little hay, feed and grain business. Actually क्या था, वो साइकेट्रिस्ट था यहाँ पे जब था, लेकिन वो पुराने ज़माने में जब चला गया 1894 में चला गया, तो सब लोग किसी भी को भी वहाँ पे दिमागी प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उसने अपना बिजनेस चेंज करना पड़ा उसे, और उसने एक गाय भूसा चारे का इस तरह का एक उसको बिजनेस उसने शुरू किया. वट वाज द डेट ऑन द लेटर रिटर्न बाय सेम टू चार्ली, जो लेटर था आप लास्ट में देखते हो स्टोरी के में, तो वो क्या डेट थी, तो जुलाई 18, 1894. फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने की, जो भी मुझे बना तो मैंने कोशिश की है. आई होप आपको समझ में आए होंगे, और आप ये क्वेश्चंस अपनी बुक में लिख लेना और उसको याद करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. सो थैंक यू फ्रेंड्स.